मंडी के वीर सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी भाई हिताराम की 124वीं जयंती पर कृतिक मंडी वासियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस उपलक्ष मंडी की इंदिरा मार्केट में स्थित भाई हिताराम स्मारक में आयोजित समारोह में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मंडी के वीर सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी भाई हिताराम की 134वीं जयंती पर कृतिक मंडी वासियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस उपलक्ष पर मंडी की इंदिरा मार्केट स्थित भाई हिताराम स्मारक में आयोजित समारोह में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस गरिमापूर्ण समारोह में हिताराम स्मारक समिति और उनके परिजनों, नगर परिषद मंडी के अध्यक्ष सुमन ठाकुर व पार्षदों, बीएचपी के जिला अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू व अन्य पदाधिकारियों, इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन के प्रधान अशोक शर्मा सहित बड़ी संख्या में मंडी वासियों ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। हिताराम स्मारक समिति के सचिव एवं वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण कुमार नूतन ने उनके जीवन व कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि क्रांतिकारी हिताराम ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों की अनेक यातनाएं हंसते हंसते सही हैं। मंडी में गदर पार्टी की स्थापना और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाने में उनका योगदान अभी स्मरणीय है। कृष्ण कुमार नूतन ने बताया, हिताराम कालापानी में आजीवन कारावास की सजा भुगते हुए स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के साथ जेल में रहे। एक बार उन्होंने देखा कि हथकड़ी और बीड़ियों में जकड़े वीर सावरकर को कोड़ों से पीटा जा रहा है। उन्होंने इसका विरोध किया। इस पर उन्हें 40 दिन तक 5 फीट के एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। 21 अगस्त 1965 को हिताराम का देहांत हुआ था। मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि भाई हिताराम जी के प्रति उनकी बहुत सहानुभूति भी है और इससे जुड़े हुए भी हैं, तो इस पुण्यतिथि के ऊपर सरकारी कार्यक्रम घोषित किया जाना चाहिए। भाई हिताराम जी को जो कुछ भी मान सम्मान वीर सावरकर जी को मिलने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं, तो भाई हिताराम जी को भी वो पुरस्कार मिलने चाहिए। अगर भारत सरकार नहीं देती तो कम से कम हिमाचल सरकार उनको मरणोपरांत सम्मानित करे और उनके परिवार को अच्छा सहयोग करे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।